Hello friends, welcome back to my channel. Today we are studying the book India's Ancient Past. The author is R S Sharma aur aaj ka chapter hai The Neolithic Age. First food producers and animal keepers. Yani jinhone sabse pehle khana ugaya aur janwaron ko palna sikha. The first topic that we have is earliest rural settlement in Balochistan. Duniya ki baat kare तो न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज शुरू हुआ था 9000 BC यानि 9000 ईसा पूर्व में. लेकिन इंडिया का एकमात्र सेटलमेंट नियोलिथिक सेटलमेंट जो 7000 ईसा पूर्व पुराना है वो मेहरगढ़ में है. और मेहरगढ़ पाकिस्तान के एक प्रोविंस बलूचिस्तान में है. बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है. मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ये कोची के मैदानी भाग में बहने वाली बोलन नदी के किनारे पर स्थित है और इसे बलूचिस्तान का ब्रेड बास्केट कहते हैं. ब्रेड बास्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा अनाज पैदा होता है. ये सेटलमेंट्स नियोलिथिक सेटलमेंट्स सिंधु नदी के प्लेन के सिंधु के जो मैदानी क्षेत्र है उसके एज पर हैं. यानी जहाँ पर वो सिंधु का मैदानी क्षेत्र ख़त्म हो रहा है वहाँ पर है. ये सिंधु नदी और मेडिटेरियन नदी के बीच के जितने सेटलमेंट्स हैं उनमें से एक सबसे बड़ा सेटलमेंट माना जाता है. कौन सा? मेहरगढ़ का. यानी जितने बड़े बड़े नियोलिथिक सेटलमेंट मिले हैं उनमें से मेहरगढ़ का भी एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है. हालांकि जो पुराने सेटलर्स थे यानी इससे पहले जो लोग आए थे उन्होंने जानवरों को पालना और अनाज उगाना सीख लिया था. लेकिन 5500 ईसा पूर्व साल पहले जो बाढ़ आई थी उसमें वो सब नष्ट हो गए थे और उनकी सभ्यता भी नष्ट हो गई थी. उसके बाद 5000 ईसा पूर्व साल पहले खेती और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ वापस से शुरू हुई और इन्हें शुरू करने में मदद मिली पत्थर के औज़ार और हड्डियों के औज़ारों से. जानवरों की हड्डियों से जो औज़ार बनते थे उनसे. नियोलिथिक पीपल शुरू से ही गेहूं और जौ उगाना जानते थे. साथ ही उन्होंने मवेशियों को पालना भी सीख लिया था. मवेशी मतलब मोस्टली गाय और भैंस से मतलब होता है. जहाँ भी कैटल आए इट जनरली मींस काउ एंड बफेलो, गाय और भैंस. उसके अलावा भेड़ और गोट्स बकरियाँ पालना भी उन्होंने सीख लिया था. शुरू शुरू में गोट्स ने प्रीडोमिनेट किया यानी बकरियाँ ही ज़्यादातर संख्याएँ पाली जाती थी. लेकिन बाद में कैटल ने यानी मवेशी ने यानी गाय भैंस ने बाकी दोनों जानवरों को आउट नंबर कर दिया. यानी मवेशियों को वो ज़्यादा पालने लगे उनसे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होने लगा तो मवेशी ज़्यादा पाले जाने लगे. हो सकता है कैटल रियरिंग ने यानी मवेशियों को पालने से उनकी खेती में मदद हुई होगी. जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो बैल होते हैं वो खेत जोतने में काफ़ी काम आते हैं. सो मे बी ये कारण रहा होगा. उस समय अनाज काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाता था और उसके बाद भंडारों में स्टोर भी किया जाता था. यानी उसका भंडारण किया जाता था. और इस बात की पुष्टि अलग अलग खोजों से हुई है जो अलग अलग फेज़ में मिली हैं. यानी बड़े बड़े भंडार मिले हैं जिससे इस बात का पता चलता है. ये जो भंडार थे वो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और इन्हीं ईंटों का प्रयोग करके घर भी बनाए जाते थे. जो उनके निवास स्थान होते थे वो भी बनाए जाते थे. ऐसे कई मिट्टी के ईंटों के स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कंपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं. यानी उनमें विभाग बनाए गए हैं, सेक्शंस बनाए गए हैं और जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो ग्रेनरीज हैं यानी भंडार हैं. 4500 से 3500 ईसा पूर्व साल पहले कोची के मैदानी एरिया से लेकर सिंधु के मैदानी एरिया तक खेती में काफ़ी विकास हुआ था और साथ में पॉटरी में भी यानी बर्तन बनाने में. 5000 ईसा पूर्व साल पहले तक लोगों को बर्तनों के बारे में नहीं पता था, बर्तन बनाना नहीं आता था. लेकिन 4500 ईसा पूर्व साल पहले ही पॉटर्स व्हील बन चुका था. यानी कुम्हार का जो चाक होता है जिस पर रख के वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप सभी जानते होंगे वो गोल घूमता है उससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसे कहते हैं पॉटर व्हील. तो पॉटर व्हील बन चुका था. पॉट्स रैपिडली मल्टीप्लाइड यानी काफ़ी बड़ी संख्या में पॉट्स बनाने शुरू हुए. साथ में उन पर पेंटिंग करना भी शुरू हुआ. सिंधु नदी की एक सहायक नदी है हकरा, उसके घाटी में उसके बेसिन में 47 यानी 47 नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं.
यानी इन्हीं लोगों ने बाद में हड़प्पन कल्चर के लिए रास्ता तैयार किया। विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में कुछ नियोलिथिक साइट्स मिली हैं जो कि 5000 ईसा पूर्व साल तक पुरानी हैं, लेकिन साउथ इंडिया में जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं वो मोस्टली 2500 ईसा पूर्व साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और साउथ में और ईस्टर्न पार्ट में यानी दक्षिणी और पूर्वी भारत में कुछ ऐसे भी सेटलमेंट्स मिले हैं जो सिर्फ 1000 ईसा पूर्व साल ही पुराने हैं। नियोलिथिक एज में लोग पॉलिश्ड स्टोन के औजार बनाया करते थे। पॉलिश्ड यानी चिकने जो पत्थर होते थे उनके औजार बनाते थे, यानी उनकी सरफेस खुरदरी नहीं होती थी, रफ नहीं होती थी, उसे पॉलिश्ड करके बनाते थे, चिकना करके औजार बनाते थे जिससे उनको ज़्यादा सुविधा होती थी। और इनमें पर्टिकुलरली है स्टोन एक्सेस। इंडिया के जितने भी हिली ट्रैक्ट्स हैं, पहाड़ी एरियाज हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मिली है। क्या मिली है? पत्थर की कुल्हाड़ियाँ। इन स्टोन एक्सेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लोग और अलग अलग पर्पज़ से काफ़ी वेरियस यूज़ किया करते थे। हमारे एंशियंट लीजेंड में यानी पौराणिक कथाओं में परशुराम को भी कुल्हाड़ी लिए ही दिखाया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुल्हाड़ी की कितनी ज़्यादा वैल्यू थी एंशियंट इंडियन कल्चर में। नियोलिथिक सेटलमेंट्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी और सदर्न दक्षिणी। और ये किस बेसिस पे बांटा गया है, किस आधार पर, कि किस टाइप के एक्सेस मिले हैं, यानी किस टाइप की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, कहाँ पर कैसी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, उस बेसिस पे इन्हें तीन पार्ट्स में बांटा है। जो नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप है यानी उत्तरी पश्चिमी ग्रुप, वहाँ पर जो एक्सेस मिली है वो है रेक्टेंगुलर एक्सेस, रेक्टेंगल बनाती हुई एक्सेस हैं। और इनके जो कटिंग एज हैं वो कर्व्ड हैं, यानी जहाँ से काटने का काम करते थे वो कर्व है, वहाँ पे शार्प एज नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप यानी उत्तरी पूर्वी ग्रुप में पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस मिले हैं जिनकी बट रेक्टेंगुलर है। एक तो काटने वाला हिस्सा होता है और उसके पीछे वाला हिस्सा जो हैंडल से जुड़ा हुआ होता है वो पार्ट इनका रेक्टेंगुलर होता है। यह है नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप। और ओकेजनल शोल्डर्ड होज होते हैं यानी कुदाली जैसा एक फीचर होता है। जो सदर्न ग्रुप में यानी दक्षिणी भाग में जो एक्सेस मिले हैं उनकी ओवल साइड्स होती हैं, अंडाकार होती हैं साइड्स और बट पॉइंटेड होता है, यानी जो पीछे का हिस्सा है जो काटने वाला नहीं है वो पॉइंटेड है, जाके एक पॉइंट बन जाता है पीछे जाके। फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कोई म्यूज़ियम है तो आप ज़रूर उस म्यूज़ियम में जाएं और देखें इस तरह के टूल्स मिले हैं। इससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। और एंड इफ़ यू कैन नॉट डू इट, एटलीस्ट गूगल दीज इमेजेस, ये सारी इमेजेस गूगल पे हैं, सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव विद अस इज यूज ऑफ बोन टूल्स इन द साइट्स ऑफ बुरजा होम एंड चिरंद। उत्तरी पश्चिमी भाग में जो कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर था, यानी कश्मीर वाले एरिया में जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं, वहाँ पर ड्वेलिंग पिट्स मिले हैं, यानी ऐसे खड्डे मिले हैं जो ड्वेलिंग के लिए यानी रहने के लिए इस्तेमाल होते थे, बड़े बड़े खड्डे। और साथ में अलग क्या मिला है यहाँ पे? सिरेमिक्स। यहाँ वाइड रेंज ऑफ सिरेमिक्स मिली है, सिरेमिक का काफ़ी यूज़ होता था। इसके अलावा काफ़ी वैरायटी की स्टोन एंड बोन टूल्स, हड्डियों और पत्थरों से बने औजार मिले हैं। एंड देर इज़ अ कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स, यानी जो छोटे छोटे औजार होते थे, छोटी छोटी टूल्स होती थी, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिली है जो कश्मीरी एरिया में। यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है बुरजा होम, इसका मतलब है द प्लेस ऑफ बर्च। सो वॉट इज बर्च? बर्च इज अ काइंड ऑफ ट्री जो इस एरिया में मिलता है, तो यहाँ का नाम पड़ा बुरजा होम। और ये श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नियोलिथिक लोग झील के किनारे खड्डों में रहा करते थे, पिट्स में, जो अभी हमने देखा कि वहाँ ड्वेलिंग पिट्स मिले हैं, और उनकी शायद हंटिंग यानी शिकार करने की और मछली पकड़ने की इकोनॉमी रही होगी, यही उनका मेन प्रोफेशन रहा होगा। और ऐसा लगता है कि उन्होंने खेती करना सीख लिया था। अनदर साइट इज गुफक्रल, इसका मतलब है केव ऑफ द पॉटर, कुम्हार की केव, कुम्हार की गुफा, पॉटर यानी कुम्हार जो बर्तन बनाता है, केव यानी गुफा, तो गुफक्रल का मतलब है कुम्हार की गुफा। और ये नियोलिथिक साइट श्रीनगर से
दक्षिण पश्चिम में मिली है 41 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ के लोग खेती और जानवरों को पालना दोनों ही काम करते थे। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ श्रीनगर। श्रीनगर के नॉर्थ में है बुर्जा होम और साउथ में है गुफक्रल जो अभी हमने दोनों देखे। कश्मीर में जो नियोलिथिक लोग रहते थे वो न सिर्फ पॉलिश्ड स्टोन वाले टूल यूज़ करते थे, यानी चिकने पत्थर के, खुरदरे पत्थर के नहीं, न सिर्फ पॉलिश्ड स्टोन के औज़ार इस्तेमाल करते थे बल्कि हड्डियों के बने हुए अलग अलग औज़ार और वेपन्स यूज़ करते थे, शस्त्र इस्तेमाल करते थे। इंडिया में सिर्फ एक और जगह पे इस तरह की सिमिलैरिटी मिली है और वो है चिरंद, जो पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है, गंगा के उत्तरी भाग में। सो दिस इज़ पटना और ये है चिरंद जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। चिरंद में क्या मिला है? बोन इम्प्लीमेंट्स, हड्डियों की चीज़ें मिली हैं। ये चीज़ें पर्टिकुलरली हिरण के सींग से बनी हैं, एंटलर्स, एंटलर्स यानी हिरण के सींग। तो ये जो औज़ार बने हैं ये हिरण के सींग से बने हैं और ये लेट नियोलिथिक सेटलमेंट को दिखाते हैं, यानी नियोलिथिक के शुरुआती भाग को नहीं, लास्ट में जब नियोलिथिक ख़त्म होने आया था उस समय को दिखाते हैं और उन एरियाज में जहाँ पर बारिश लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। पे ये सेटलमेंट होने का कारण क्या था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुली ज़मीन अवेलेबल थी, बहुत बड़ी ज़मीन अवेलेबल होने के कारण, ओपन लैंड, जंगल नहीं थे, ओपन लैंड्स थे, होने के कारण यहाँ पर सेटलमेंट हुए। और ये ओपन लैंड चार नदियों के जंक्शन पे मिलते थे, कौन कौन से? गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। और यहाँ पर स्टोन टूल्स कम मिले हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हड्डियों के बने हुए टूल्स ज़्यादा मिलते हैं, तो स्टोन टूल्स उतनी बड़ी संख्या में नहीं मिले। बुर्जा होम की बात करें तो वहाँ के लोग कोर्स यानी मोटी ग्रे पॉटर यूज़ करते थे, ग्रे रंग के बर्तन यूज़ करते थे और बर्तन काफ़ी मोटे होते थे, कोर्स होते थे। बुर्जा होम में एक इंटरेस्टिंग बात और थी, यहाँ पर मालिकों की कब्र में उनके साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ये प्रैक्टिस इंडिया में किसी और नियोलिथिक कल्चर में देखने को नहीं मिली। बुर्जा होम की सबसे शुरुआती डेट 2700 साल ईसा पूर्व कही जा सकती है, लेकिन चिरहंद से, जो कि अभी हमने देखा पटना के पास में है, वहाँ से जो हड्डियाँ मिली हैं वो 2000 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं लगती, यानी बुर्जा होम ज़्यादा पुराना है। चिरहंद शायद लेट नियोलिथिक फेस को दिखाता है। बलूचिस्तान और कश्मीर घाटी को नियोलिथिक सेटलमेंट्स के उत्तरी पश्चिमी ग्रुप में रखा जा सकता है। इनके अलावा एक और जगह जहाँ से काफ़ी नियोलिथिक टूल्स मिले हैं, उस समय के औज़ार मिले हैं, वो है आसाम की पहाड़ियों में। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में जाएं तो वहाँ मेघालय की गारो हिल्स में भी काफ़ी सारे नियोलिथिक टूल्स मिले हैं। जो सेकेंड ग्रुप था यानी नॉर्थ ईस्टर्न, उसमें विंध्याचल और कैमूर हिल्स को रखा जा सकता है। विंध्याचल के उत्तरी भाग में मिर्ज़ापुर में और यूपी के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है, वहाँ भी बड़ी संख्या में नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं जहाँ नियोलिथिक लोग रहते थे। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कोलदीवा और महाग्रा, इन नियोलिथिक साइट से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चावल की खेती हुआ करती थी। कैमूर के पहाड़ी भाग में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो सेनुवार है वो नियोलिथिक की सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा बोधगया टेम्पल के पास में ताराडीह को भी एक नोटेबल साइट माना जा सकता है। सो दिस इज़ महग्रा एंड कोलडीवा जिसकी अभी हमने बात की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड ग्रुप ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट्स दैट इज़ इन साउथ इंडिया। द फर्स्ट वाज नॉर्थ वेस्टर्न, सेकेंड वाज नॉर्थ ईस्टर्न, नाउ वी आर एट थर्ड ग्रुप। गोदावरी नदी के दक्षिण में साउथ इंडिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप रहता था नियोलिथिक लोगों का। वो या तो जो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं उनके टॉप पे रहते थे, उनके ऊपर रहते थे, या फिर नदियों के किनारे पे जो पठार होते थे उन जगहों पर रहते थे। ये पत्थर की कुल्हाड़ियों का, स्टोन एक्सिस का यूज़ करते थे और पत्थर के ही ब्लेड्स का, स्टोन ब्लेड्स को यूज़ करते थे। यहाँ पर कई फायर बेक्ड यानी आग में पकाई हुई
छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मवेशी और भेड़ बकरी हुआ करते थे। यहाँ पर स्टोन कॉर्न्स मिले हैं, यानी अनाज पीसने की जो चक्की होती है पत्थर की बनी हुई, वो भी यहाँ से मिली है, जिसका इस्तेमाल ये लोग अनाज पीसने में किया करते थे। इससे ये पता चलता है कि इन्हें अनाज उगाने की कला अच्छी तरह से आती थी। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी संख्या में नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं, और इसी कारण से क्योंकि साउथ इंडिया में पत्थर की इजी अवेलेबिलिटी है, पत्थर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है, प्लाट्यू है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को मिलाकर कुल 850 सेटलमेंट्स मिली हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स जहाँ पे एक्सकावेशन हुआ है वो है मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडिकल, संगनकल्लू, पिखलीहल, तक्कल कोटा, ये कर्नाटक में है, एंड पयमपल्ली तमिलनाडु में है। उटनूर साइट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नाउ फ्रेंड्स, दीज ऑल साइट्स हैव टू बी रिमेम्बर्ड बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, तो ये सारी साइट्स हमें याद रखनी है। साउथ इंडिया की नियोलिथिक साइट्स 2400 ईसा पूर्व साल से 1000 ईसा पूर्व साल तक की लगती हैं। पिखलीहल में जो नियोलिथिक सेटलर्स थे वो कैटल हर्डर्स थे, यानी मवेशी पालने वाले। वो मवेशी यानी गाय, बैल, भेड़ और बकरी पालते थे, और इसके अलावा सीजनल कैंप्स लगाते थे। वो गाय का गोबर इकट्ठा किया करते थे। जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने का टाइम होता था तो इन कैंप्स को वो जला दिया करते थे, ताकि इस गोबर के जलने से अगले कैंपिंग सेशन के लिए उनकी ज़मीन तैयार हो जाए, अच्छी हो जाए और वापस से आके कल्टीवेशन कर सके। पिखलीहल में ऐश यानी राख के टीले मिले हैं, और साथ में हैबिटेशन साइट्स भी मिली हैं जहाँ पर ये रहा करते थे। इस बात से इस पूरी फैक्ट का पता लगता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फार्मिंग एंड सीरियल्स। नियोलिथिक सेटलर्स सबसे पहले फार्मिंग करने वाली, खेती करने वाली कम्युनिटी थी। उन्होंने ज़मीन को पत्थरों के औजार से, होज उनसे तोड़ना सीखा, स्टिक से खोदना सीखा। 1 से 1.5 किलो का रिंग स्टोन्स वो वहाँ पर लगा दिया करते थे। वो पत्थरों के पॉलिश टूल तो यूज़ करते ही थे, यानी बिना उन्हें एज इट इज़ यूज़ किए उन्हें पहले चिकना किया जाता था बेटर यूज़ के लिए। साथ में माइक्रोलिथ ब्लेड्स यानी छोटी छोटी साइज़ की ब्लेड्स भी वो लोग यूज़ करते थे। वो सर्कुलर यानी गोलाकार या रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, हमारे घर मोस्टली रेक्टेंगुलर होते हैं, या तो ऐसे घरों में रहते थे या सर्कुलर घरों में रहते थे, और ये घर बनते थे मिट्टी से या बेंत से। ऐसा माना जाता है कि लोग जो सर्कुलर घरों में रहते थे उनके पास यूजुअली प्रॉपर्टी हुआ करती थी। नियोलिथिक लोगों की लाइफ काफ़ी सेटल्ड थी, और उन्हें रागी, चना दाल और यहाँ तक कि चावल उगाना भी आता था। मेहरगढ़ के, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहाँ के नियोलिथिक लोग ज़्यादा एडवांस थे। वो गेहूँ और जौ भी उगा लेते थे और मिट्टी के बने ईंटों के घरों में रहते थे। नियोलिथिक फेज में लोगों को अनाज उगाना आ गया था और पशु पालना भी आ गया था, तो नेचुरली उन्हें बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी, ताकि वो खाना स्टोर कर सकें, उन बर्तनों में खाना पका सकें, खा सकें, पी सकें। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी। सो इसीलिए इसी फेज़ में पॉटरी का भी आविष्कार हुआ पहली बार। शुरू शुरू में वो हैंडमेड पॉटरी बनाए करते थे, यानी हाथों से बनाए करते थे। बाद में उन्होंने फुट व्हील्स चलाना सीख लिया, यानी पैरों से चलने वाली चक्की जिससे पॉट्स बन सके। ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में पॉटर व्हील पश्चिमी एशिया से आया था, और बाद में वहाँ से वो पूरे सबकॉन्टिनेंट यानी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला। तो नियोलिथिक पॉटरी में कौन कौन सी टाइप की पॉटरी आती थी? ब्लैक बर्निश्ड, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड। ब्लैक बर्निश्ड क्या होती है? ये एक फिनिशिंग लाने के लिए, शाइन लाने के लिए की जाती थी। जो लास्ट स्टेज होता है पॉटरी का, उसमें उसे बेक किया जाता है, आग में पकाया जाता है। उससे पहले इस पर पेंट कर दिया जाता था ब्लैक कलर का, एंड देन इसे बेक करते थे फायर में। तो इसलिए इसे ब्लैक बर्निश्ड कहते हैं, बिकॉज इट इज़ बेक्ड इन फायर एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो पहले पेंट करने की वजह से उसके ऊपर एक शाइन आ जाती थी। उसके अलावा ग्रे वेयर्स मिले हैं, ग्रे कलर के बर्तन,
एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर्स, मैट इम्प्रेस्ड यानी उन बर्तनों पे जो कलाकारी करते थे वो लोग, डेकोरेशंस करते थे, उन्हें कहते हैं मैट इम्प्रेस्ड वेयर। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्रेस इन एंड लिमिटेशंस ऑफ नियोलिथिक फेज। वेस्टर्न एशिया में, पश्चिमी एशिया में 9000 से 3000 ईसा पूर्व साल तक काफ़ी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, टेक्नोलॉजी में काफ़ी उन्नति हुई। वहाँ पे लोगों ने खेती करना सीखा, बुनना सीखा, पॉट मेकिंग यानी बर्तन बनाना सीखा, घर बनाना सीखा, जानवरों को पालना और लिखना ये सब सीख लिया था। इंडिया में ये प्रोसेस थोड़ा लेट शुरू हुआ। इंडिया में नियोलिथिक एज शुरू हुआ लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स यानी गेहूँ और जौ जैसे इम्पॉर्टेंट अनाज बोए जाते थे। साथ ही यहाँ पे लोगों ने गांवों में बसना शुरू किया। जो एक चीज़ नियोलिथिक लोगों को अलग करती है सबसे, वो है स्टोन सेल्स। ये एक तरह के पत्थर के औजार होते थे जिन्हें एक तरफ से नुकीला किया जाता था और पॉलिश होते थे यानी चिकने होते थे, और साथ में इनके एजेस बहुत शार्प होते थे। इनका इस्तेमाल मोस्टली टिलिंग के लिए होता था, यानी खेतों में फसल बोने से पहले मिट्टी को, ज़मीन को खोदते हैं और तैयार करते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल मोस्टली होता था। दे वर मेंट फॉर डिगिंग द ग्राउंड एंड सोइंग सीड्स, ज़मीन को खोदने के लिए और बीज रोपने के लिए किया जाता था। इन सब से जो इंसान के रहन सहन में, सब्सिस्टेंस में यानी उसके जो सर्वाइवल में, ज़िंदा रहने के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा चेंज आया, रेवोल्यूशनरी चेंज आया। अब लोग हंटिंग पे, शिकार पे, मछली पकड़ने पे या खाना इकट्ठा करने पे डिपेंड नहीं करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, बल्कि उन्होंने खेती करना और पशुपालन सीख लिया था। इन टूल्स से अब वो अपने लिए घर भी बनाने लगे थे। फूड एंड शेल्टर के इन तरीकों से यानी खान पान और रहन सहन के जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को ढूंढ निकाली थी, उनके तरीकों से अब वो सिविलाइजेशन के, सभ्यता के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। इतना सब होते हुए भी स्टोन एज के लोगों के लिए एक बड़ी लिमिटेशन थी, और वो ये कि उनके टूल्स और वेपन्स जो भी थे वो सभी पत्थरों से बने होते थे, तो वो पहाड़ी जगहों से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते थे। वो या तो रॉक शेल्टर्स में रहते थे यानी जो पत्थरों से बने घर होते थे, गुफाएं होती थी जहाँ भी पत्थर होते थे, या फिर पहाड़ों से बहने वाली नदियों की घाटियों में, क्योंकि वहाँ पर पत्थर ज़्यादा मिलते थे। इतने एफर्ट्स करने के बाद भी वो अपनी सब्सिस्टेंस से यानी ज़िंदा रहने लायक चीज़ों से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे थे। लेट अस सी द क्रोनोलॉजी। 9000 ईसा पूर्व साल पहले पश्चिमी एशिया में नियोलिथिक एज शुरू हुआ। 7000 ईसा पूर्व साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नियोलिथिक सेटलमेंट शुरू हुए। 5000 ईसा पूर्व साल पुराना विंध्याचल के उत्तर में नियोलिथिक साइट्स मिली है। 4500 ईसा पूर्व साल पहले पॉटर्स व्हील यानी कुम्हार के चाक का, कुम्हार के व्हील का आविष्कार हुआ। कश्मीर की जो सबसे पुरानी नियोलिथिक सेटलमेंट मिलती है वो है 2700 साल ईसा पूर्व पहले। साउथ इंडिया में जो सबसे पुरानी नियोलिथिक सेटलमेंट मिलती है वो है 2500 ईसा पूर्व साल पहले। पटना के पास चिरंद में जो नियोलिथिक फेज की साइट मिली है वो है 2000 साल ईसा पूर्व। और सबसे लेटेस्ट एविडेंट नियोलिथिक सेटलमेंट का मिलता है सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में, दक्षिणी और पूर्वी भारत में, जो है 1000 साल ईसा पूर्व। सो फ्रेंड्स, हियर आ चैप्टर एंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। Thanks for watching. I'll see you in the next video.